नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और अंजलि फूड लैब के चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं एकदम खस्ता करारा कचौरी, जो कि प्याज की कचौरी है और सबको बहुत ही पसंद होता है। इस सर्दी में आप इसे घर पे आराम से बना सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक के साथ ये कचौरी बनाना सिखाऊँगी। सबसे पहले एक बड़े से पतीले में हम लेंगे 2 कप मैदा, वजन से ये 250 ग्राम होगा। 250 ml वाला जो कप है ना, उसमें हम ले जाएंगे 2 कप मैदा, मतलब 1 कप हमारा 120 ग्राम के आसपास हो जाएगा। तो कुल मिल के 250 ग्राम मैदा, आप चाहे तो आटा भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर हम लेंगे थोड़ा सा नमक, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून कलौंजी और थोड़ा सा हम डाल देंगे अजवाइन क्रश करके, उससे डाइजेशन अच्छा होता है और खाने में भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। फिर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और अपने हाथों से अच्छे से मसल देंगे। आप इसमें गुनगुना पानी डालिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाइए। और एक हमें स्मूथ आटा बनाना है, जैसे हम पूरियां बेलते हैं वैसे ही हमको आटा बनाना है। लेकिन आप चाहे तो इसे प्योर आटे से भी बना सकते हो और चाहे तो इसे प्योर मैदा से भी बना सकते हो। मैदा यूज़ करने से अच्छा से मतलब खस्ता एकदम करारा कचौड़ी बनता है। जो मार्केट में कचौड़ी आप खाते हो ना, मतलब कचौड़ी खाने का मन हुआ तो चले गए स्टॉल में और कचौड़ी और चटनी एक साथ खाएंगे मज़े ले लेकर, वही मज़ा आपको घर पे आसान से मिल सकता है। ये रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए हमारा आटा अच्छे से गून चुका है, मतलब गुनगुना पानी आप ऐड करोगे ना, बहुत ही अच्छे से आटा बन जाएगा। कम समय में आटा बहुत ही स्मूथ डो बन के रेडी हो सकता है। फिर हम 2 से 3 ड्रॉप ऑयल लास्ट में डालेंगे, फिर से गून के हम एक मलमल के कपड़े से अच्छे से ढक लेंगे। इसे हम 25 से 30 मिनट तक रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हम एक स्टफिंग बना लेते हैं। प्याज की कचौड़ी है तो प्याज का स्टफिंग तो बनेगा। सबसे पहले पैन में तेल चढ़ा देंगे, जब तेल गर्म हो जाए उसमें 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून धनिया, 1/2 टीस्पून सौंफ और एक हरी मिर्च को छोटा छोटा करके काट लेंगे। फिर अदरक, कूटी हुई अदरक को डाल देंगे और थोड़ा सा हम चीनी डालेंगे, सब 1/2 टीस्पून ही हम इसमें लिए हैं। और ये जो धनिया है आप थोड़ा सा क्रश करके डालिए, उससे खुशबू बहुत ही अच्छा आता है। फिर एक चुटकी हींग डाल देंगे, इससे डाइजेशन में हेल्प होगा। यहाँ पे 2 बड़े साइज को प्याज को मैंने छोटा छोटा करके काट लिया है, उसको तेल में डाल देंगे। अब ये हाई फ्लेम पे हो रहा है मेरा, मतलब हाई फ्लेम पे मैं ये सब कुक कर रही हूँ। जब हम मसाला डाल रहे थे तो गैस का फ्लेम मीडियम था, अब मैं हाई रख के प्याज को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। फिर उसके बाद हम सारे सूखे मसाले को ऐड कर देंगे। आप इस टाइम में पेशेंस के साथ काम कीजिए। जब प्याज हमारा हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, ये देखिए प्याज हमारा हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इस टाइम में हम डाल देंगे सारे सूखे मसाले। इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, फिर जाएगा 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, इससे कलर अच्छा आएगा। फिर इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर थोड़ा सा खट्टापन के लिए ये यूज़ होता है और टेस्ट को बहुत एनहांस करता है। फिर थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला जले नहीं। फिर इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे और थोड़ा सा नमक हम ऐड कर देंगे और इन मसालों को सारे चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। और ये सब लो फ्लेम पर हमें इसको भूनना है कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए। जब तक भूनना है तब तक हमारा ऑयल मतलब मसालों से थोड़ा थोड़ा तेल ना छूटे, ठीक है। 5 से 6 मिनट हमें इससे हल्के हाथों से एकदम स्टियर फ्राई करना है। आप इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे आप कर सकते हो। और ये देखिए 5 से 6 मिनट के बाद तेल हमारा अच्छे से निकल चुका है और हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। ये आप देख सकते हो तेल अच्छे से निकल रहा है, ये देखिए पैन में तेल दिख रहा है ना आपको, तब हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। फिर इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी धनिया के पत्ते हम डाल देंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। लेकिन अब सर्दी का मौसम है, धनिया पत्ता बहुत मार्केट में मिल रहा है और बहुत सस्ता भी है और इसमें खुशबू बहुत अच्छा देता है और टेस्ट को एकदम बढ़ा देता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। फिर यहाँ पे मैं डालूँगी 1/4 कप बेसन डाल देंगे। इससे क्या होता है, बेसन डालने से हमारा वो जो प्याज है ना एक फॉर्म डो की तरह बन जाएगा। मतलब आप हाथ में थोड़ा सा प्याज का स्टफिंग लेके इसे गोल गोल करोगे ना तो एकदम बॉल साइज हो जाएगा। ये
ब्लेंडिंग में काम करता है, बेसन और टेस्ट को बहुत ही एनहेंस करता है। तो आप ये ज़रूर डालिए। और लो फ्लेम पे हम इससे बेसन डालते ही लो फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक प्याज को भुनना है। और ये हमारा प्याज का स्टफिंग हो गया रेडी। अब प्याज का स्टफिंग ठंडा, थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। ठंडा होते ही हम ये शुरू कर देंगे। हमारा ये जो डो रेस्ट कर रहा था, इसको तौलिया हटाकर ये देखिए मैं फिर से 1 से 2 सेकंड के लिए उसे गूंद ली हूँ। फिर इसका एक बॉल साइज का हम लोई निकालेंगे और हाथों से तो ऐसे ऐसे फैला लेंगे। आप चाहे तो आप बेलन से भी ये कर सकते हो, लेकिन मैं ये हाथों से कर रही हूँ। फिर ये इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून हम डालेंगे प्याज का स्टफिंग। आप चाहे तो ज़्यादा डालिए, चाहे तो कम डालिए, लेकिन 1 टेबल स्पून डालेंगे ना ये वो बहुत ही अच्छा साइज़ का एकदम कचौरी बन के रेडी होता है। फिर इससे हम हाथों के हेल्प से ही ये स्प्रेड कर लेंगे। फिर 1, 2, 3 ऐसे करके मैं बना ली हूँ। फिर यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए मैं छोड़ दी थी। जब तेल हमारा मीडियम गरम हो जाए, मतलब ज़्यादा गरम तेल में कचौरी डालेंगे तो वो अंदर से कच्चा रह जाएगा, वो बाहर से एकदम फटाक से मैरून कलर आ जाएगा, गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा, उससे कचौरी हमारा अच्छा नहीं बनेगा। मीडियम फ्लेम में ही, मतलब तेल जब मीडियम गरम हो उससे आप कचौरी डाल दीजिए। 1 से 2 सेकंड के लिए कचौरी को हाथ बिल्कुल मत लगाइए। जब वो तेल में फ्लोटिंग करने लगे तब आप इसे उलट पुलट कर, जैसे हम पूरियाँ तलते हैं ना, वैसे करके हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें सारे कचौरियों को फ्राई करना है। और ये देखिए धीरे धीरे करके हमारा ये गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है। अभी स्टेज में हम कचौरी को अच्छे से निकाल लेंगे। आप ये देखिए कितना अच्छे से कचौरी हमारा बन के रेडी हो गया है। हमारे घर पे पर्सनली मुझे बहुत कचौरी फूला फूला अच्छा नहीं लगता है, वो थोड़ा सा फ्लैट, मतलब सारे कचौरी को फ्लैट ही मैं ऐसे की हूँ क्योंकि हमारे घर में सबको ऐसा ही पसंद है, तो मैं ऐसे बनाई हूँ। आप चाहे तो पूरी जैसे, मतलब दबा दबा के पूरियों को हम फुलाते हैं ना, आप वैसे कचौरी के साथ भी कर सकते हो। ये देखिए हमारा तीनों के तीनों कचौरी बन के रेडी हो गया है। और ये बहुत गर्म है इसीलिए मैं इसे तोड़ भी नहीं पा रही हूँ। आप देख सकते हो इसमें धुआं भी निकल रहा है। और ये देखिए हमारा एकदम खस्ता करारा कचौरी बन के तैयार हो चुका है। आप इसे चटनी के साथ, इमली के चटनी के साथ, या पुदीना धनिया के चटनी के साथ, या आलू दम के साथ भी ये ट्राई कर सकते हो। आपको अगर इस कचौरी की रेसिपी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इंस्टाग्राम पे भी फर्स्ट पेक नाम से मेरा चैनल है, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।